गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ नील कुमार फ्रॉम सत्यन प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोग को ग्राफ बताया था, ग्राफ चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोग को पाई चार्ट बताया, उसके बाद कुछ डाटा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। देखिए, मेरे पास या यहाँ क्वेश्चन में दो कंपनी का नाम है, ए कंपनी और बी कंपनी, दो कंपनी है। ए कंपनी में चार इंप्लॉयड है, मान लीजिए ए बी सी डी, और बी कंपनी में ई एफ जी एच इंप्लॉयड का नाम हो गया। ए बी सी डी ए कंपनी का है, बी कंपनी का आपका ई एफ जी एच। अब देखिए, ये जो आपका है सैलरी, ये जो है वेतन है उसका 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ये ग्राफ में है। अब ये देखिए आपका कहाँ है, 40,000 में, ए का वेतन 40,000 है, बी का वेतन देखिए 20,000 के साथ में है, 20,000 सी का देखिए 30,000 के जगह, डी का देखिए 10,000 है। अब देखिए बी कंपनी में हम चलते हैं, बी कंपनी में देखिए ई का कितना है 30,000, एफ का 40,000, जी का 50,000, एच का 40,000। आपका ये डाटा हमको दे दिया कि ऐसा क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी दोनों से फिगर से संबंधित आपको 4-5 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसको सॉल्व करना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है, ए कंपनी के तुलना में बी के इंप्लाई का कितना प्रतिशत वेतन ज्यादा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया कि ए कंपनी के इंप्लाई के वेतन के तुलना में बी कंपनी के इंप्लाई का वेतन कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ए कंपनी का टोटल सैलरी कितना होगा, ए कंपनी का आपका टोटल सैलरी होगा 40,000, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, तो 40, 20, 60, 30, 90, 10 एक लाख है, 1,00,000 आपका ए कंपनी का वेतन हो गया। अब बी कंपनी का वेतन देखिए, बी कंपनी का वेतन देखिए, ई का वेतन कितना है 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, 30,000, 40,000, 50,000 प्लस 40,000। अब जोड़ते हैं 30, 40, 70, 50, 70, 50 और 90, 160 हो गया, कितना हो गया 30 और 40 70 70 और 50 120 और 40, यानी कि 160,000। अब ज्यादा कितना है, बी का इंप्लाय का ज्यादा कितना है आपका 160,000 माइनस 100,000, यानी कि 60,000 ज्यादा।
अब 7000 ज्यादा है तो प्रतिशत ज्यादा कितना हो गया, 7000 गुना 100, 7000 गुना 100 बटे कितना में ज्यादा है, 1,00,000 में। यानी कि ए कंपनी के तुलना में बी कितना ज्यादा है, उससे ज्यादा कितना है, 7000। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए कंपनी का इम्प्लॉई का एवरेज वेतन से बी कंपनी के इम्प्लॉई का एवरेज कितना जाता है। अब देखिए ए का एवरेज कितना है, ए कंपनी के इम्प्लॉई का एवरेज कितना हो गया, 40 + 20 + 30 + 10/4, यानी कि 1,00,000/4, यानी कि 25,000 हो गया, 25,000। अब बी कंपनी का देखते हैं कितना हो गया टोटल, टोटल है 30,000 जोड़ 40,000 जोड़ 50,000 जोड़ 40,000 बटे 4, यानी कि 1,60,000/4, यानी कि 40,000। 40,000 इसका 25,000, तो ज्यादा एवरेज कितना है, ज्यादा कितना एवरेज में हो गया, 40,000 - 25,000 बराबर कितना हो गया, 15,000। तो इसी टाइप का आपको डाटा का छोटा छोटा प्रॉब्लम मिलेगा, और ऐसा ही डाटा का प्रॉब्लम छोटा छोटा 2, 3, 4, 5 रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन डाटा दिया रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा तो कुछ ज्यादा मतलब नहीं बनता है, इसलिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहता है डाटा पे। और डाटा का प्रॉब्लम आप समझ जाइएगा, बेसिक वो कहना क्या चाहता है, तो उससे संबंधित प्रॉब्लम आपका जो होगा बहुत ही आसान होगा। तो इस टाइप का छोटा छोटा प्रॉब्लम आप लोग घर में बनाइएगा, देखिएगा, कोई वो टफ नहीं है। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगला चीज क्या पढ़ना है। ओके, थैंक यू।